विल गेट बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स और आई एम श्योर कि जो इतना अच्छा पंजाबी सॉन्ग था सबने बहुत एंजॉय किया आई एम श्योर सर आपको भी अच्छा लगा होगा. अच्छा सर आपको पता है आज से तीन चार साल पहले अक्सर स्टूडेंट्स क्लासेस बंक करते थे और कैफेज का रुख करते थे. डू यू नो किस लिए? शीशा कैफे. ऑब्वियसली एक हाइप हुई थी और लाइक शीशा पी रहे थे एज अ फैशन. बिल्कुल एज अ फैशन. हाँ लेकिन वो बहुत सेहत के लिए खराब था और फिर सर आए और उन्होंने रोकथाम कर दी. सर कैसे की क्या क्या? हाँ बिल्कुल और आपने बिल्कुल रोक दिया. अब कहीं से शीशे का शीशा तो क्या फ्लेवर भी नहीं मिलता. पहले ये था कि फ्लेवर मिलता था तो सबने घरों में शीशे रख लिए थे घर में शीशा पिया करते थे लेकिन अब तो फ्लेवर भी नहीं मिलता. सर कैसे लोगों ने हमाम वालों ने शीशे उठा दिए. तो सर क्या क्या मुश्किलात आई? काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी क्योंकि कैफेज बंद हो रहे थे फिर खुल रहे थे फिर बंद हो रहे थे फिर सील हो रहे थे. कंटिन्यूस का सिलसिला चल रहा है. शीशे का घर बनाएंगे हम. अच्छा ये घर वाली बात आज मैं इंशाल्लाह पक्की करा के जाऊंगी. शीशे का क्या पूरा मकान की बात होगी उससे पहले हम सर आपका जवाब देना चाहेंगे. देखिए मैं 2012-13 में डीसी लाहौर तो कुछ जगह देखने का मौका मिला. वहाँ पे लोग यहाँ पे सिगरेट भी पीते हैं और कभी पीते हैं. बिल्कुल. लेकिन जो चीज मुझे शीशे में नजर आई वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे वो एक सामाजिक बुराई की शक्ल में नजर आई. बच्चे जो है ना वो स्कूलों से बंक मार रहे हैं कॉलेज से बंक मार रहे हैं बच्चियां कॉलेज से बंक मार रहे हैं फिर वहाँ पे आप अंदर जाते हैं अजीब सा कुछ घुटने में चूंकि थोड़ा सा थोड़ा और घुटन सा और... फिर केबिन्स बने होने वहाँ पे और लोग शीशा पी रहे हैं और इवन कॉलेज आवर्स में और रात को लेट नाइट. अच्छा देन स्मॉल इन्वेस्टमेंट पैसा इतना इसमें लगता नहीं है इसमें कमाई भी ज़्यादा थी तो इट वॉज ग्रोइंग लाइक यू नो लाइक एनीथिंग इन लाहौर. तो उस पर फिर हमने इस पर जो है वो दफा 144 भी लगाया. लेकिन दफा 144 से ज़्यादा जिस लॉ ने हमें हेल्प किया वो एनवायरमेंट एक्ट था. ओके. अब एनवायरमेंट एक्ट भी आता है इसमें एंटी स्मोकिंग एक्ट भी आता है एक्ट भी आता है दफा 144 भी था. लेकिन जो एनवायरमेंट एक्ट वो इतना स्ट्रांग है कि उसमें कोर्ट इज़ वेरी फ्रेंडली. ओके ठीक है. आप अगर कहीं पे ये लगा दें कि जी ये एनवायरमेंट पोल्यूट कर रहा था तो कोर्ट इज़ वेरी प्रो एनवायरमेंट. वो कहीं पे फिर रिलीफ नहीं देता अगले बंदे को. कहता है नहीं जी ठीक है अगर ये एनवायरमेंट ख़राब कर रहा था तो फिर इसको आप बंद करके. तो उसका सहारा लिया हमने. और कैफे इज़ अ पब्लिक प्लेस. बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें जो मेरे हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि जी अगर आप इस कैफे में लेट से 20 बंदे बैठे हैं और उसमें से 10 है जो कि शीशा नहीं पीते हैं तो जो शीशा पी रहे हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है और वो इनडायरेक्टली इनहेल करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है उनके जो पी रहे हैं तो ये उनके लिए ठीक. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. बिल्कुल. पब्लिक प्लेस पे हमने उसको बंद करवाया. बंद कर दिया. तो लेकिन उसमें सिविल सोसाइटी ने मीडिया ने पेरेंट्स ने मतलब मेरे पास पेरेंट्स आते थे. एक ऑफिसर था मेरा अपना वो रोना शुरू हो गया. वो कहता है सर मेरा बच्चा ख़राब हुआ है इसी शीशे की वजह से. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. देखते हैं उसको कि वो बक पड़ता था शाम को आता था. एडिक्टेड हो गए थे लोग इसके. फिर शीशे की गा में और चीज़ें होती थी. बिल्कुल. ऑक्सीजन पता नहीं कभी नशा होता था उसमें. उसमें उसमें कोई वीड्स भी डालते थे उसमें मतलब और चीज़ें भी. मैं तो शीशा है उसमें और खराब चीजें भी वो डालना शुरू कर दी. मेरे वालदैन जो हैं वो बच्चों को पायलट बनाना चाहते हैं वो जहाज बनाना. हर गंदे नाले पे लैंड किए हुए बैठे. उसमें जब ये पहले तो खैर उन्होंने बहुत जोर लगाया और इस पे चूंकि जो इन्वेस्टर थे मालम रोड पे इधर उधर दे वेरी वेल्दी पीपल जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत जोर लगाया. बड़े महंगे उन्होंने वकील वगैरह किए. लेकिन जो हमारे जुडिशरी हायर जुडिशरी उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि नहीं ये ठीक काम हो रहा है और ये गलत काम बंद करना चाहिए. बिल्कुल ठीक. तो उसमें मुझे याद है अभी भी मैंने आई टोल्ड वन ऑफ माई स्टाफ ऑफिसर्स कहते हैं कि सर वो कोर्ट में गए बड़ा हमें लताड़ेंगे ये उन्होंने उसको वकील कर लिया है ये हो गया वो हो गया. तो मैंने आई स्टिल रिकॉल मैंने कहा ये गए हैं और ये आखिरी की लोग है इनके ताबूत में. सही. क्योंकि कोर्ट ने कभी भी इनको इजाजत नहीं देनी कि आप पब्लिक प्लेस में जाके आप कशे लगाएं ठीक है बच्चों को खराब करें ठीक है. तो इस पे कोर्ट का ऑर्डर आ जाना है आज या कल हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का. और हुआ भी ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इधर बल्कि कराची के भी बंद करा दिया. बिल्कुल. लेकिन वो था और वो चूंकि बड़े ढीठ थे
उसको जो है ना बार बार पकड़ना पड़ता था, फिर वो चूँकि अभी डी सी इसलिए करना पड़ता था टाइम्स हफ्ते 10 दिन के बाद कि वहाँ 20-25 लोग काम करते थे, ठीक है, एक बिजनेस एक्टिविटी है, चलें जी आप ये कैफ़े है, पिज़्ज़ा खिलाएं, केक खिलाएं, चाय पिलाएं, कॉफ़ी पिलाएं, वो हमारा कैफे है, ठीक है, शीशा निकाल दें, बाकी बिजनेस अपना करें, बाकी बिजनेस अपना करें। लेकिन वो ये होता था कि जी फिर 5 दिन बाद फिर वहाँ से शीशे के होके मिल रहे होते थे, फिर रात के आप यकीन करें मुझे मतलब रात 1 बजे भी मैं निकल जाता था, रात 12 बजे भी मैं निकल जाता था, तो वो जब देखते थे कि अच्छा जी फोन के डीसी साहब सो गए, चलो अब शुरू करो, तो वो हम रात के 12-1-2 बजे याद है 2-2 बजे भी जाके हम पकड़ते रहे, तो अल्लाह का शुक्र है वो अभी अपनी है, बिल्कुल डेडिकेट कर दिया उसको कंप्लीट, माशाल्लाह। जैसे जब भी कोई एक जी बात ये है कि ये तो सारा सिलसिला चलता रहे, आपको मौसीकी में कौन से सिंगर पसंद है? हाँ डेफिनेटली बिल्कुल, ये तो होते हैं ना, ये भी कभी कभी एंटरटेनमेंट, मुझे यस नुसरत फतेह अली खान, हाँ वेरी वेरी, वी लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, बड़ा बहुत बड़ा आदमी, फैसलाबाद में, बल्कि हमने एक अंडर पास उनके नाम पे रखा, एक एकेडमी बनाना चाह रहे थे हम, उनका जो जहाँ पे मकबरा था उस पर हमने एक उसको हमने कवर भी किया गुम्बद शक्ल में, और ये नुसरत फतेह अली खान मेरे ख्याल में बहुत बड़ा, इसी तरह हमारे जितने भी आप देखें अभी जो मैं देखता हूँ आजकल जो स्टूडियो में भी बड़े हमारे, अच्छा मतलब एक अच्छा खासा लगाव है आपको म्यूजिक, जी जी, ये उसमें आई कैन सी गुड पीपल कमिंग अप, नबील अच्छा है उसमें, मोमिना बहुत अच्छी है, ये आतिफ है, अली जफर है, वेरी गुड सिंगर्स, उन्होंने उनका नाम लिया जो वाकई बहुत से रील है, बहुत से रील है, बिल्कुल जो गुनी लोग हैं सभी, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड वो अच्छे हैं, मेहदी हसन वाज वेरी गुड, अच्छा वैसे तो मतलब आप लोगों का स्केड्यूल बहुत ज्यादा टफ होता है, इतना टफ कि फैमिली को भी रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिल पाते, बट अभी भी अगर कोई टाइम मिलता है तो क्या हॉबीज होती हैं आपकी, क्या एक्टिविटीज होती हैं इस टाइट स्केड्यूल से? टाइम विद माय किड्स, ओके, और आई एम स्पोर्ट्समैन, मैं घंटा एक निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ दिन में, आई प्ले स्क्वाश, मैं आई वाज बलूचिस्तान जूनियर चैंपियन आल्सो, अच्छा अच्छा, स्क्वाश आई वाज इन पाकिस्तान टीम जो मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बहुत पुरानी बात करूँ, लेकिन अभी तो खैर मैं फिटनेस के लिए खेलता हूँ, ओके, और फैसलाबाद ने मुझे अस्थमा दिया है, फैसलाबाद पोल्यूटेड, वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा है, सो आई गेट अस्थमेटिक समटाइम्स, कोशिश कर रहा हूँ कि वो ना हो दवाइयों पे और स्पोर्ट्स में और कोई वर्कशॉप करके उसको कवर करूँ, लेकिन ये हमारा इशू है एनवायरमेंट का, स्पेशली लाहौर में भी बहुत है, उधर भी है, सही। अच्छा सर जब भी रेट करते हैं लाइक किसी भी होटल पे आप या कैफे पे फूड क्वालिटी चेक करने के लिए, तो उसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है ऑब्वियसली, जिन जिन चीज़ों को आपने देखना है उसकी इतनी लंबी डिटेल तो हम शायद ना बता पाएं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हैं, वो चाहे वर्कर्स के हवाले से हों या सराउंडिंग के हवाले से, सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं आप जहाँ पे फूड प्रोसेस होता है, ओके, दैट इज द किचन, ठीक है, आपने देखा होगा हमारी टीम्स का भी जाके होटल का एम्बियंस नहीं देखते हैं, बाहर फर्नीचर है, बाहर लोग, उनको पता ही नहीं होता, अंदर किचन में चले जाते हैं, किचन में जाके जो है ना हम जाके जो उनका रॉ प्रोडक्ट है वो हम देखते हैं कि जी ये जो चिकन है, ये जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो बेकरी आइटम्स हैं ये तमाम का सोर्स क्या है, ठीक है, इस पे ये मैन्युफैक्चर कब हुई हुई है, व्हाट इज़ द बेस्ट बिफोर यूज़, ओके, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे जो कुक्स हैं, शेफ्स हैं, वो उनके हम पर्सनल हाइजीन को चेक करते हैं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, फिर उनके नाखून हैं, उन्होंने कोई अंगूठी शंगूठी तो नहीं पहना, उसके जंग्स, इवन इवन घड़ी भी नहीं पहन सकते, घड़ी भी नहीं पहन सकते, ठीक है, फिर ये है कि उन्होंने हेड गेयर, उनका एक एप्रन जो होता है, हैंड ग्लव्स हैं उन्होंने वो यूज़ किए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो नहीं करते उस पर, और फिर उनके जो यूटेंसिल्स हैं वो कैसे हैं, फिर जो उनका वॉशिंग एरिया है वहाँ पे रनिंग वाटर है नहीं है, टब में तो नहीं डाल के उधर ही कर रहे हैं और सारा, और स्पेशली जो उनका एक जहाँ वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसके साथ पानी और साबुन होना चाहिए, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं छोटी छोटी, लाहौर वाले तो रेस्टोरेंट वाले सीख गए यहाँ पे, सिखा दिया गया, इसमें देखें ऐसा भाई हमने इनाम भी दिया, अच्छा अच्छा, वे हमने एक बेकरी वाले को 5,000 रुपए इनाम दिया, फिर गुलाम रसूल चने वाले को हमने 10,000 रुपए इनाम दिया, 1948 से वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल
नीला गुम्बद वाला, बिल्कुल बिल्कुल है उसकी, उसकी टेस्ट क्वालिटी। फिर हमने उससे पूछा है बाकायदा कि जी, कहते हैं कि जी छोटे चने हम मियाँ वाली से मंगवाते हैं। अच्छा, जो हमारी देसी मुर्गी है वो खुशाब से आती है। अच्छा, सही। कहते हैं वैसे तो नहीं इधर लोग आते हैं, लंबी लाइन होती है। एक उनके कुछ इशूज थे उस पे, बट दे हैव कम अप, उनके भी हेड गियर्स पहने होते थे, उन्होंने भी सारी चीज़ें वो अडॉप्ट की हुई हैं जो कि होनी चाहिए। लेकिन वो एक हेरिटेज भी है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वो लाहौर का एक हेरिटेज है, हेरिटेज है एग्जैक्टली, उसको उस हिसाब से हमें प्रमोट भी करना चाहिए। आगे हम एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लेके आना चाह रहे हैं। टोरंटन मार्केट में 10 दिसंबर को हम 50,000 रुपये उस पोल्ट्री शॉप को देंगे जो सबसे ज़्यादा नीट क्लीन हाइजीनिकली और अच्छी उसने मेंटेन किया हुआ है, प्रिजर्व ठीक किया हुआ है, लोग अच्छे रखे हुए हैं, उनको हैंडल करने वाले लोग साफ सुथरे हैं, उनके लिए 50,000 हमने। दैट्स ग्रेट, इट्स नॉट ओनली ऑलवेज द डंडा और स्टिक, जो अच्छे लोग हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे उनको हम, बिकॉज ये देखिए होटल बंद करना शुड नॉट बी द एम ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, आपको बिजनेस फ्रेंडली करेक्टिव आपको अप्रोच आपका होना चाहिए कि जो आप रेक्टिफाई करें चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता, या उनको उनकी बिजनेस को हैम्पर नहीं करना चाहिए। लाहौर सारे खाने खा भी खाते हैं, या आप बताएं क्या करते हैं, खाने के लिए जीते हैं, निहारी है, सिरी पाए हैं, सिरी पाए हैं, दुनिया जहाँ के वो जो कमाते हैं वो सारा कहते हैं कि खाबे पे लगाओ, दिस इज व्हाट लाहौर इज, ठीक है ना। तो आधा लाहौर का बिजनेस भी तो खाने खाबों पे है ना, बिल्कुल। तो हमें उनको सीधा करना चाहिए बजाय उनको खुद कुछ जाके धमाका करें और कहेंगे जी बंद करो इसको, बंद करो। तो होटल पे गए वो शामी को, आप वो बना रहे थे बंदा ना वो, तो उसने वो खाने वाला वो कहता है शामी को आप थोड़ा यार, कहता है इसमें तो बाल है यार, ये क्या कहता है, फिर दूसरा ले लो, दूसरा करो उसमें भी बाल है, तीसरे बंदे ने कहा कहता है यार ये बाल क्यों आ रहा है, पता चला कि वो बंदा जो अंदर बना रहा है शामी को आप, उसका एक बाजू नहीं था, वो शामी को आप पकड़ के तो छाती ऐसे अच्छा सर, इसी तरह से लोगों में शामी कबाब खाने लगेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा यही वाली एग्जांपल आएगी। अच्छा, लोग सर बड़ा फैसिनेट होते हैं जब बात होती है इतवार बाजार की, या कभी जुमा बाजार होता था, रमजान बाजार के, वहाँ पे जो प्राइसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स वहाँ पे थोड़ी कम होती हैं, लेकिन वहाँ पे हम किस तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं और वहाँ पे क्या चेक एंड बैलेंस होता है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक है प्राइस कंट्रोल, एक है क्वालिटी कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल जो है वो मैंडेट है डीसीओ साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वो नोटिफाई करते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल है ये भी हमारे रेडार पे नहीं था, अब अच्छा। हमारी इतवार को ड्यूटीज लगती हैं अब हमने शुरू करवाया, बिल्कुल। और हमने अब चूंकि वहाँ पे आप देखें, मैं वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, वहाँ पे जो खातून आती है या जो बंदा आता है वो पूरे हफ्ते का, पूरे दो हफ्ते का वहाँ से उसने 2-4 हज़ार रुपये कमा के जाने ठीक। तो दो तरीके थे, या तो बम फाड़ो अगर दूसरा ये कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रिम करके ना आप उसको उनको लें उस स्टेज पे, कि उनका वो सीधे भी हो जाएं उस स्टेज पे भी आए, लेकिन ग्रेजुअली आए, ठीक जी। सो दैट अप्रोच वी हैव अडॉप्टेड। अभी पिछले 3 हफ्तों से हम ये कर रहे हैं, 3 इतवार पे गए हैं अभी जो है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिपोर्ट ही मिल रही है कि जी वो चीज़ें जो है ना, मैं खुद भी जाता हूँ वहाँ पे, कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ओपन जो खोलते हैं बेचते हैं ये चाय है या वो जो है वो हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जी उनको पैक करके भेजें। अच्छा, पैक, ठीक है ठीक। तो सबसे बड़ा आपका एडल्ट्रेशन जो सबसे बड़ा जो वजह है ना वो ओपन हैंडलिंग है फूड का। ओके, जिस दिन आपने ये बोरियों में मिर्चें, बोरियों में दालें, बोरियों में चाय बेचना बंद कर दिया ना आपने, या चिकन जिस तरह थोक में आके बिक रहा है, आपके मामला सारे ठीक हो जाएंगे। बाहर मुल्क जाएं, आपको कोई ये नहीं कि माँ बाप के बगैर कोई जो है ना चाय बिक रही है या कोई मिर्चें बिक रही हैं, उनको पता है कि जी किस फैक्ट्री पे कहाँ से लाया गया, कहाँ से लाया गया, प्रोसेस हुआ, पैक हुआ, लेबल लगा, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, आगे थोक वाले के पास आया, उसने आगे रिटेलर को भिजवाया, तो एक ट्रेसेबिलिटी है। यहाँ पे पता नहीं होता, फैक्ट्री में ही 2 नंबरी हो रही है, आगे और 2 नंबरी हो रही है, आगे बिल्कुल मुकाबला, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो हमने एक डायरेक्टरेट अभी इस्टेब्लिश की है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ ब्रांडिंग, डायरेक्टरेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रांड्स, ठीक, जिसपे हम इनकरेज करेंगे। इसको भी हम एक साथ बम फाड़ के बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा एक इट विल टेक सम टाइम,
हम इनकरेज करेंगे कि जी जो अपनी छोटा मोटा भी ब्रांड हो, पर दो चार मरले की फैक्ट्री में भी अगर वो कोई निम को अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है बनाता है उसको भी स्टैम्प करे, दो रुपए लगेंगे उसके, बिल्कुल ठीक, एक गत्ता लगेगा एक कागज में पैक करके भेजेगा, लेकिन वो उसको अगर हम सर्टिफाई करते हैं कि जी ये PFA सर्टिफाइड है तो वो ठीक होगा, वो एज कम्पेयर टू ओपन निमको या ओपन मिर्चों के जो है ना वो उसकी बेटर उसकी क्वालिटी जो उस चीज पे आहिस्ता आहिस्ता आना ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। ये तो ये रीजन हो रही है राजी, बाकी यहाँ पे जो सिगरेट है वो दो नंबर तीन नंबर चार नंबर मिलते हैं यहाँ पे, अच्छा ऐसा भी है, तो वो बंदा ना नशा ही बैठा हुआ तो सिगरेट ऐसे ना ऐसे खोल रहा है उसे, मैं कह यार इसे खोल के क्यों दोबारा आप भरते हो, कहते भाई जी मैंने कंपनी से यकीन नहीं है। अच्छा चूंकि प्रोग्राम ऑब्वियसली इतना इन्फॉर्मेटिव है और हम सर के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने टाइम हमें दिया एंड ही हैज टू मूव एज वेल, तो मैं चाहूंगी कि सर हमारे व्यूअर्स को कोई आप मैसेज अगर देना चाहें। देखें वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर कंट्री, आजादी बहुत बड़ी नेमत है बिल्कुल और हमें इसकी कदर करनी चाहिए बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जिस जगह भी आप हैं जिस पोजीशन में भी आप हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं कोई सरकारी ऑफिसर हैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में हैं, बस एक चीज़ अगर आप अपना शोर बना लें कि आपने जो भी काम करना है उसमें कोई मिलावट नहीं होगी अभी ठीक, तो देन वी कैन यू नो मूव ऑन। अल्लाह ताला ने की बड़ी नेमतें हैं इस मुल्क पे, मैंने काफ़ी ममालिक देखे हैं, मतलब आप इसमें चावी के सहरा देखें, गवादर की कोस्ट देखें, आप देवसाई के प्लेन्स देखें, आप पंजाब के कल्चर देखें, या इनके गवादर तो हमने उस वक्त देख लिया था जब आपने वहां से कराची से तरपाल मंगवाए थे कि क्या हिफाजत की है, तो अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिया है हमें, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें अपना काम उसी कमिटमेंट के साथ और नॉट एडल्ट्रेटेड और मिलावट के साथ नहीं करना चाहिए उसमें, वो जो खालिस पन है उसका प्योरिटी है उसको मेंटेन करते हुए अपना काम ही हमें करना चाहिए। व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जारी है और वंस अगेन मैं बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेंगल साहब की जिन्होंने इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी, इतनी ज्यादा अवेयरनेस दी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यहाँ पे जी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आप रॉयल कैफे और हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद।